अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ द न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किस तरह एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करके रेडियो एक्टिविटी का एलिमेंट जो है, रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है हमारे पास, वो आता है। तो ये तमाम चीज़ों को हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक न्यूक्लियस। सो एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आप ईजिली बता सकोगे कि इस टॉपिक में हम इस चीज़ की बात करेंगे और ये चीज़ें हमारे सामने होंगी, तभी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। सो एटॉमिक न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, हम एटम के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है उसको स्टडी करेंगे। कि एटम के अराउंड, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो है हमारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे होते हैं न्यूक्लियस की, उसमें क्या होता है, एटम जो है वो स्टेबल क्यों होता है, एटम का या जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स वगैरह प्रेजेंट है न्यूक्लियस है उस पर कितना चार्ज है, उसका कितना मैस है, तो वो तमाम चीज़ें, ये जो डिस्कशन है वो हम करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर। सो एटॉमिक न्यूक्लियस को अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, चूंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस एक एटम के अंदर होते हैं और ये बहुत स्मॉल इन साइज होता है। तो अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, बेशक ये जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ इनका रेडियस ज़्यादा हो जाता है। जिस तरह अगर हम सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का देखें तो एक एटम का रेडियस एज़ कम्पेयर टू द न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होता है, कितना, 10^5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होता है। एटम एटॉमिक रेडियस ग्रेटर देन न्यूक्लियर रेडियस या न्यूक्लियस रेडियस। सो हमारे पास क्या सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई कि अगर हम किसी भी एटम की बात कर रहे हैं तो उस एटम का रेडियस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम जस्ट उस सिंगल वन न्यूक्लियस का रेडियस चेक करें। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो हमें ये मिल गई। सेकेंड क्या है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इस एटम को स्टेबल कैसे रखा जाता है। हमें पता है कि स्टेबल वो चीज़ होगी जिसमें एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही होगी। अगर एक में हमारे पास हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद हैं, उस हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी मौजूद होने चाहिए ताकि दोनों की इक्वल क्वांटिटी एक दूसरे को स्टेबल कर दे और पूरा एटम जो है वो स्टेबल हो जाए। अगर हम सिंपली बात कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे तो एटम का तो एटम के ऊपर तो चार्ज नेगेटिव हो जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, हमारे पास प्रोटॉन्स भी मौजूद होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो कलेक्टिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मिलके न्यूक्लियॉन्स का वर्ड इनके लिए यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियॉन्स। सो ये न्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं, प्रोटॉन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स मीन्स ये न्यूट्रल है एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं उतने अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मौजूद होंगे इस न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा एटम स्टेबल हो जाएगा। अगर इनके नंबर चेंज हो रहे हैं, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं हो सकेगा उस कंडीशन में। बाकी हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, चूँकि वो न्यूट्रल होते हैं, तो इस वजह से उनका पहले ही कोई रोल नहीं होता कि वो इस स्टेबिलिटी में अपना कोई रोल परफॉर्म कर सकें। सो हमारे पास जो बेसिक मेन दो चीज़ें आ रही हैं जिनके बिहाफ पे हमारा एटम जो है वो स्टेबल होगा, वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और अगर इनकी इक्वल क्वांटिटी है तो हमारा एटम जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। सो अगर हम पहले एमसीक्यूज की बात करें तो पहला एमसीक्यूज हमारा बन रहा था कि जो एटॉमिक रेडियस है वो एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस बहुत ग्रेटर होता है, और कितना ग्रेटर होता है, 10^5 टाइम्स ग्रेटर होता है। सो ये हमारा पहला एमसीक्यूज था। सेकंड एमसीक्यूज है कि कलेक्टिवली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, सो उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। थर्ड हमारा क्या है
कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम सेम है तब हमारा जो एटम है वो स्टेबल होगा. इट मींस कि स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाता है कि अगर स्टेबल एटम हमें चाहिए, हमें रिक्वायर है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, तो वो सेम क्वांटिटी में होने चाहिए. नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. देन हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर ये है कि इस न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने मौजूद हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको जी से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है. सो अगर आपने बताना हो कि किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, तो आप उसके लिए कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर लाइक 16 है, 15 है, 40 है. तो उस इस सिर्फ एक सिंगल वर्ड से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद कितनी है. इसके लिए हम एटॉमिक नंबर का वर्ड यूज़ करते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन जी से करते हैं. अब अगर हम मास नंबर की बात करें, मास नंबर क्या होता है? कलेक्टिव नंबर होता है जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इनके टोटल नंबर मिला के हमारे पास जो एक टर्म आती है वो है मास नंबर, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब अगर आपने बताना है कि ए यानी मास नंबर इस चीज़ का कितना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट मींस एन से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये एक इक्वेशन आ जाती है और इस इक्वेशन के बिहाफ पे हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं, जिसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे. और इसमें क्या है कि अगर आपने किसी चीज़ का मास नंबर बताना है, तो आपको उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को ऐड करना होगा, तो आपके पास मास नंबर जो है वो आ जाएगा. अब अगर हमारे पास एक एग्जांपल चेक कर लें, हमारे पास बुक के अंदर गिवन है यूरेनियम 92 है, इट्स मास नंबर ए इज़ 235. यूरेनियम 92 है जिसका मास नंबर आपको दे दिया गया है यानी ए, एंड इट इज़ 235. एंड आपको कहा गया है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपने बताने हैं, किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन किस तरह की जाती है कि लेट सपोज अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, लाइक यू ही हम ले रहे हैं, यहाँ पे इसके हम लिखते हैं मास नंबर, और यहाँ पे हमारा सिंपल आता है एटॉमिक नंबर. सो जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और ए बताएगा कि इसमें कलेक्टिवली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स कितने हैं. अब अगर इस एग्जांपल के थ्रू देखा जाए, तो आपसे पूछा गया है ये जो एटॉमिक नंबर है वो 235 है, तो सॉरी मास नंबर 235 है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन के नंबर हैं वो कितने होंगे. सो उस इक्वेशन को अगर हम देखें, ए इक्वल्स टू एन प्लस जी, ए गिवन है दैट इज़ 235, एन सेपरेट एन यहाँ आ जाएगा एज इट इज़, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है 92. सो अगर आपको एन निकालना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 235 माइनस 92. सो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये बन जाता है 143 के राउंड अबाउट जो है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं. सो इस इक्वेशन से क्या हो सकता है कि आप किसी भी जो हमारे पास एलिमेंट है उसका मास नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हो, और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी फाइंड आउट कर सकते हो. और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एमडीकैट के हवाले से भी और बोर्ड के हवाले से भी, क्योंकि समटाइम इसको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में कि इस एलिमेंट के इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो कितने होंगे, या इसके इतने न्यूट्रॉन और इतने प्रोटॉन हैं, तो हमारे पास जो मास नंबर है वो क्या होगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है. सो इस टॉपिक में जो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस की. पहली बात है कि जो भी हम लोग एटम ले रहे हैं,
उसका एटम का रेडियस कितना कितने टाइम ग्रेटर होगा न्यूक्लियस के रेडियस से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है. देन हमने स्टडी किया कि कलेक्टिवली न्यूक्लियस जो बनता है उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. ये भी हमारा न्यूक्लियॉन जो वर्ड है एमसीक्यूज है. देन हमने स्टडी किया कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हो उस न्यूक्लियस के अंदर, और मास नंबर कलेक्टिवली नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नाम है. अब हम बात करते हैं इनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर. सो इतना हमें आइडिया है कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं. और अगर हमने इनको चार्ज बताना हो कि एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. सो ये जो है हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा, एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज मौजूद है. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूंकि नेगेटिव साइन होता है इसलिए वैल्यू सेम रहेगी, बट ये −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज आ जाएगा. ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके ऊपर चार्जेस कितने होते हैं. देन हमारे पास आ जाता है कि इनका मास कितना होता है, चूँकि हमारा जो मास है वो सारा कन्फाइन हुआ हुआ है इस न्यूक्लियस के अंदर. इट मीन्स कि इसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद है. सो जो पूरे एटम का चार्ज है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बन रहा होता है. और अगर हम प्रोटॉन का चार्ज देखें वो है हमारे पास, सॉरी मास हमारे पास है 1.6, इट इज 1.673 × 10⁻²⁷⁷ ग्राम. दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन. एंड अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें सो इसमें 3 की जगह जस्ट 5 आ जाता है एंड इट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये तकरीबन एक दूसरे के करीब तरीन ही हैं, इसलिए जो कलेक्टिव हमारा मास बन रहा होता है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन हुआ होता है और हम उससे मास का अंदाज़ा लगा सकते हैं. अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं. एक ये हमारे पास कूलम की कि इनके ऊपर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है, सॉरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है. एंड देन हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, चूंकि ये एक दूसरे के बहुत करीब वैल्यूज़ हैं इसलिए ये भी एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं. सो इस टॉपिक से हमारे 5 to 7 एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हमने स्टडी किए. सो ये था हमारा टॉपिक.